दुनिया भर में ऐसी बहुत सी अद्भुत और दिलकश जगह हैं, जिनके बारे में जानकर हैरानी होती है। इनमें से कुछ इंसान ने अपनी मेहनत से बनाई तो कुछ कुदरत ने अपनी कलाकृति से गढ़ी। ऐसी ही एक जगह है चीन का तियानमेन माउंटेन, जो वहां का प्रमुख टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। 1518 मीटर ऊंचे इस पहाड़ पर दुनिया की सबसे ऊंची गुफा है, जिसे स्वर्ग का दरवाजा भी कहा जाता है। हाय दोस्तों, मैं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीम इंडिया। हर किसी को मृत्यु के बाद स्वर्ग जाने की चाहत होती है। स्वर्ग जाने के लिए आपको अपने जीवन में अच्छे कर्म करने होते हैं। अगर आपसे कहें कि आपको स्वर्ग जाने के लिए सिर्फ 999 सीढ़ियां ही चढ़नी होंगी, तो आप क्या कहेंगे? यकीनन आपका जवाब हाँ में होगा, क्योंकि अगर सिर्फ 999 सीढ़ियां चढ़ने के बदले में स्वर्ग मिल रहा हो तो ये एक अच्छा सौदा है। चीन में तियानमेन माउंटेन पर स्वर्ग का दरवाजा है, जहां जाने के लिए आपको 999 सीढ़ियां ही चढ़नी होंगी। लगभग 5000 फीट ऊंचे इस पहाड़ पर दुनिया की सबसे ऊंची गुफा है। इस गुफा को स्वर्ग का दरवाजा भी कहा जाता है। बताया जाता है कि 253 ईसा पूर्व पहाड़ का कुछ हिस्सा टूट गया था, जिसके बाद इस गुफा का निर्माण हुआ। गुफा की लंबाई 196 फीट और ऊंचाई 431 फीट है। साथ ही गुफा की चौड़ाई लगभग 187 फीट है। 5000 फीट की ऊंचाई होने के कारण ये गुफा बादलों से ढकी रहती है। बादलों से ढके होने के कारण ही लोग इसे स्वर्ग का दरवाजा या गेट ऑफ हेवंस कहते हैं। इस माउंटेन के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर काफी खजाने छुपे हुए हैं, जिसे ढूंढने की कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन हर बार वो नाकामयाब रहे। इस गुफा को देखने के लिए टूरिस्ट केबल वे और सड़क के रास्ते से आते हैं। दुनिया का सबसे लंबा 24,459 फीट और ऊंचा ये केवल पर्यटकों के इस सफर को रोमांचकारी और यादगार बना देता है। हजारों फीट ऊंचाई पर बने इस रोपवे का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। रोपवे और घुमावदार सड़क पर चलने के बाद लोगों को 999 सीढ़ियां चढ़कर गुफा तक पहुंचना होता है। ताओ फिलोसफी के मुताबिक ये 999 स्टेप सुप्रीम नंबर है और सम्राट का प्रतीक है। कहा जाता है कि 20वीं शताब्दी में तियानमेन के पहाड़ों के पास एक वाटरफॉल भी था। ये सिर्फ 15 मिनट के लिए ही दिखाई देता था और फिर गायब हो जाता था। इसका पानी 1500 फीट की ऊंचाई से सीधे नीचे गिरता था, लेकिन अब इस वाटरफॉल का कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ बौद्ध मठ भी है। इस जगह के बारे में बहुत सी रहस्यमय बातें बताई जाती हैं, पर अब ये एक पर्यटन स्थल के रूप में फेमस हो चुका है। यहाँ हर साल लाखों सैलानी घूमने आते हैं और दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ पर बसे इस स्वर्ग के दर्शन कर आनंदित होते हैं। इस पहाड़ पर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल भी बनाया गया है, जो कई लोगों का भार झेलने और रोमांच के दीवानों के लिए खासा आकर्षण बना हुआ है। इसके अलावा तियानमेन माउंटेन हर साल एक खास वजह से सुर्खियों में रहता है, जब यहाँ कार रेसिंग का कॉम्पिटिशन होता है। यहाँ के रास्ते में हर 100 मीटर पर खतरनाक मोड़ हैं। अगर आपकी आसमान पर चलने की ख्वाहिश है तो वो भी यहाँ आकर पूरी हो जाएगी। 1430 मीटर की ऊंचाई पर बना शीशे का स्काई वॉक न सिर्फ आपको रोमांच से भर देगा, बल्कि अपने साहस को परखने का मौका भी देगा। सीधी खड़ी दो चट्टान के बीच में बना कांच का ये ट्रांसपेरेंट रास्ता तकरीबन 60 मीटर लंबा है। दुनिया के कोने कोने से लोग इस स्काई वॉक के जरिए यहाँ की खूबसूरती को देखने आते हैं। हालांकि बहुत कम टूरिस्ट ही इस स्काई वॉक पर चलने की हिम्मत जुटा पाते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।